दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम करेंगे क्विक रिव्यू और अनबॉक्सिंग एक नए डिवाइस का जो कि है JioFi राउटर का नया वर्जन। तो कुछ इस तरह का इसका नया बॉक्स दिखता है। अगर आप इसे कंपेयर करें पुराने JioFi राउटर के बॉक्स के साथ, तो यहां पे ब्लू कलर का बॉक्स था जिसमें JioFi राउटर पहले आता था। JioFi 2 राउटर है ये, और ये नया राउटर जो है अब इस तरह से मिल रहा है। और राउटर ऐसा नहीं है कि राउटर सेम है, राउटर भी यहां पे चेंज है। तो हम दोनों राउटर्स को कंपेयर करेंगे। पैकेजिंग में आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि ऐसा स्क्वायर बॉक्स आपको मिलता था JioFi 2 राउटर का पुराना, जबकि नया वाला जो राउटर है वो आपको कुछ इस तरह के राउंडेड वाले बॉक्स में मिलता है। तो इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग इस राउटर की, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से ये डिफरेंट है पुराने राउटर से। अगर हम दोनों राउटर को एक साथ दिखाएं तो कुछ इस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपका JioFi राउटर 2 जो कि पुराने वाला है, और ये है नया वर्जन जो मिल रहा है। अब इस नए वर्जन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो है इसका डिस्प्ले। तो यहाँ पे एक डिस्प्ले आपको मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको सिर्फ LED लाइट्स मिलती हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि भाई वाईफाई ऑन है या नहीं, सिग्नल वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन इसके अंदर आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, बैटरी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाती है, और साथ ही साथ आपके JioFi राउटर से कितने लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें दी गई है। समझ लीजिए कि ये जो राउटर है ये JioFi 2 राउटर का एक अपग्रेडेड वर्जन है, और अभी से तकरीबन सेम प्राइस पे, यानी कि 2000 रुपये में ये मिलता है, तो 2000 रुपये में ही नया वाला जो राउटर है वो आ रहा है, और सेम प्राइस पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स इस वाले राउटर में मिल जाते हैं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे पुराने राउटर से भी, ये देखने के लिए कि क्या स्पीड का कोई डिफरेंस आया है, क्योंकि इन राउटर के अंदर लग रहा है कि हार्डवेयर डिफरेंट है, तो वो अलग कंपनी से आ सकता है, तो उस केस में स्पीड का डिफरेंस आ सकता है, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग इस नए राउटर की। तो हमने राउटर तो ऑलरेडी बाहर निकाल रखा है, आपको दिखा देते हैं पहले। तो कुछ इस तरह का ये राउटर दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कनेक्टिविटी से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि कितने लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको दो बटन मिलते हैं, यहाँ पे है आपका पावर बटन और यहाँ पे मिलता है आपको WPS बटन, जिसके अंदर आप एक टेम्प्ररी वाईफाई हॉटस्पॉट बना के और लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ आपको वाईफाई का पासवर्ड शेयर नहीं करना है, इस पर एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। साथ ही साथ आपको इस एज पे मिलता है माइक्रोएसपी पोर्ट, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एक और यहाँ पे बदलाव जो है देखने को मिला है वो ये है कि नया वाला जो राउटर है उसके साथ जो बैटरी मिलती है वो मिलती है आपको लाइफ ब्रांडिंग के साथ। अब पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन लाइफ ब्रांडिंग के साथ ये बैटरी जो मिलती है, जबकि राउटर के ऊपर कोई भी लाइफ ब्रांडिंग कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ठीक है। और साथ ही साथ ये बैटरी जो मिलती है आपको नए राउटर के साथ वो बड़ी बैटरी है। अब प्राइस की बात करें तो दोनों ही सेम प्राइस पे आते हैं, 2000 रुपये में ही आपको नया वाला जो राउटर का वर्जन है वो मिलेगा। लेकिन बैटरी का यहाँ पे फ़र्क है, क्योंकि पुराने वाले JioFi राउटर में, JioFi 2 राउटर में 2300mAh की बैटरी आती थी, जबकि अभी आपको 2600mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि आपको बैकअप और ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। इसी के साथ बाकी और चीज़ें आपको दिखा देते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। एक मिलती है यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी की चार्जिंग और सिंकिंग केबल, तो डेटा सिंकिंग भी आप इस केबल से कर सकते हैं, माइक्रोएसपी केबल है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चार्जर दिया गया है जो कि 1 एम्पीयर का चार्जर है, तो ये 1 एम्पीयर के चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। अब बात करें और चीज़ों की, तो इसमें कुछ यूजर मैनुअल्स जैसे कि पहले आपको मिले थे, कुछ उसी तरह के यूजर मैनुअल यहाँ पे मिलते हैं। एक यहाँ पे JioJoin का यूजर मैनुअल मिल रहा है, जिसमें आपको बताया गया कि ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि प्ले स्टोर पे इस एप्लीकेशन का नाम अब चेंज हो गया है और नया नाम जो इस एप्लीकेशन का है वो है Jio 4G वॉइस। सो इस एप्लीकेशन को अगर आपने इंस्टॉल करना है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने JioFi राउटर का वाईफाई यूज़ करके HD वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं 2G और 3G स्मार्टफोन पे भी। तो ऐसा करने के लिए आपको Jio 4G वॉइस सर्च करना होगा, JioJoin नाम जो है वो हटा दिया गया है। एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है यूज़र मैनुअल में कि इस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है इस डिस्प्ले पे मिलने वाली है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि नए राउटर में आपको एक डिस्प्ले मिलता है जो कि एक OLED डिस्प्ले है, और यहाँ पे आपको बैटरी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे आपको नेटवर्क सिग्नल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वाईफाई की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि कितने लोगों ने कनेक्ट किया है, और अगर वाईफाई स्लीप मोड में है तब भी आपको पता चल जाएगा बिना कुछ करे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके डिस्प्ले पे मिल जाती है। अब डिस्प्ले पे एक छोटा सा स्टिकर भी लगा है जिससे डिस्प्ले स्क्रैच ना हो। अब इसको अंदर से दिखा देते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर पीछे की तरफ एक छोटा सा इंडेंट दिया है जिससे आप इसका बैक कवर जो है रिमूव कर सकते हैं, और मैं बैक कवर रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये पीछे से कैसा कुछ दिखता है। तो यहाँ पे इसको अगर आप देखें
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल रही है आपको, जिसमें इसका जो SSID है यानी कि वाईफाई नेम जो इससे बनाएंगे आप वो मिल जाएगा, और साथ ही साथ पासवर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है और बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कुछ इस तरह का ये है, और जो स्लॉट है यहाँ पे वो है सिम कार्ड का स्लॉट यहाँ पे। तो इस रबर फ्लैप को आपको ऊपर करना है और अपना सिम कार्ड जो है माइक्रो सिम आप यहाँ लगा सकते हैं इस तरफ, और दूसरी तरफ आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। तो एक तरफ आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, दूसरी तरफ आप सिम कार्ड को लगा सकते हैं। अब माइक्रो SD कार्ड लगा के जैसे वाईफाई शेयरिंग पुराने राउटर में थी, उसी तरह से इस वाले में भी ये चीज़ दी गई है। तो ये है पुराने वाला राउटर और ये है नया वाला राउटर। नया राउटर थोड़ा सा बड़ा है, और ओवरऑल फीचर्स वाइज देखें तो फीचर्स इसमें ज़्यादा आपको मिलते हैं, जबकि प्राइस जो है सेम रखी गई है। तो ये तो रही इसकी अनबॉक्सिंग। अगर हम सिम कार्ड की बात करें तो सिम कार्ड मुझे मिल चुका है, और अगर ये राउटर आप खरीदते हैं तो ये राउटर अगर आप खरीदेंगे तो उसके साथ आपको जियो सिम मिलता है। अगर आप स्टोर से जाके इसे ले रहे हैं, अगर आपने इसे ऑनलाइन खरीदा तो ऑनलाइन के केस में ईबे वगैरह पे शायद मिल जाएगा आपको, या फिर कहीं और किसी वेबसाइट पे मिल सकता है, लेकिन उस केस में वो लोग आपको सिम कार्ड जो है जियो सिम नहीं देंगे, तो आपको जियो सिम के लिए भागना पड़ेगा इधर उधर। और ऐसे में आपको स्टोर वाले कुछ मना कर सकते हैं, और कुछ लोग कह सकते हैं कि हम आपको दे देंगे सिम लेकिन अभी नहीं देंगे, लेकिन आपको एक वैलिड बिल चाहिए होगा तभी आपको इसके साथ सिम कार्ड मिलेगा, अगर आपने इसे स्टोर से नहीं लिया है तो। अगर आपने स्टोर से लिया है तो स्टोर में आप इसको ले लीजिए, 2000 रुपये दे दीजिए, या तो आपको उसी टाइम पे सिम कार्ड मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी एक्टिवेट हो जाए, और साथ ही साथ सिम कार्ड जो है आपको जो मिले वो हाथ के हाथ उसी दिन चल जाए, तो EKYC प्रोसेस के थ्रू ही आप सिम कार्ड लीजिए। अपना आधार कार्ड लेके जाइए और उसका फोटोस्टेट लेके जाइए, और इतना काफ़ी है। वो EKYC के प्रोसेस के थ्रू आपको जो सिम कार्ड देंगे उसे वो उसी दिन 3 से 4 घंटे में एक्टिवेट कर देंगे। तो इस तरह से आपको सिम कार्ड जो है हाथ के हाथ मिल सकता है, अगर आप ये जियोफाई राउटर जो है एक स्टोर से जाके खरीदते हैं। अगर आपने ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदा है तो आपको जियो सिम इसके साथ नहीं मिलेगा, और उस केस में आपको परेशानी डेफिनेटली होगी, तो ऑनलाइन आपको इसको बिल्कुल मत लीजिए। तो ओवरऑल अनबॉक्सिंग तो था ये सारा, अब बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और दिखाते हैं कि किस तरह से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल पहले जैसी है, आपको एक वाईफाई हॉटस्पॉट पहले इससे बनाना है जियो सिम इसमें डाल के। जब आपको लगे कि हाँ भाई वाईफाई हॉटस्पॉट जो है चल रहा है और यहाँ पे इंडिकेशन आ गया है, उसके बाद आप जाके अपने कंप्यूटर पे 192.168.15.1 जो है वो लिख सकते हैं। उस वाईफाई हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के बाद, और एक बार आपने वहाँ चले गए तो वहाँ जाके आप वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो है राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको एक और यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा, वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड भी एडमिनिस्ट्रेटर है, तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटर है। और वो आपको डालने के बाद आप जाके वाईफाई सेटिंग्स में इसका जो वाईफाई का यूजर नेम है, जो वाईफाई का नाम है, और साथ साथ वाईफाई का पासवर्ड जो है, वो दोनों चीज़ आप चेंज कर सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कुछ भी नाम से। हमने उसको कॉन्फ़िगर करके उसका नाम रख दिया है GTU Geo 2, और ये इसका वाईफाई हॉटस्पॉट का नाम है। अब करते हैं इसका स्पीड टेस्ट और देखते हैं कि कितनी स्पीड हमको मिलती है अगर हम वाईफाई हॉटस्पॉट बनाते हैं इस राउटर के थ्रू, या फिर सेम सिम कार्ड को अगर हम एक 4G फ़ोन जैसे कि सैमसंग नोट 4 के अंदर यूज़ करते हैं, तो कैसे स्पीड का यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलता है वो हम देखेंगे, और उसके बाद कंपेयर करेंगे स्पीड सेम सिम कार्ड से इस राउटर की, और उसी सेम सिम कार्ड को हम डालेंगे इस राउटर में पुराने वाले में, और देखेंगे कि स्पीड का कितना फ़र्क हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पीड टेस्ट के लिए इंटरफेस यहाँ पे खुला हुआ है, और ये फ़ोन जो है इस जियोफाई राउटर के वाईफाई से कनेक्टेड है। और अब करते हैं स्पीड टेस्ट आपके सामने और दिखाते हैं कि कितनी स्पीड आपको किसी भी फ़ोन पर मिल सकती है अगर आप ये राउटर यूज़ कर रहे हैं। हम लोग अभी अपने ऑफिस में हैं और यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आ रही है, तो देखते हैं कि स्पीड कितनी देखने को मिलती है यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ साथ। तो यहाँ पे कुछ 6-7 MPS 7.02 MBPS की स्पीड जो है हमें देखने को मिली है यहाँ पे डाउनलोड में, और अपलोड में देख लेते हैं कि कितनी स्पीड यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ कि राउटर से कनेक्टेड है इस टाइम पे, और अपलोड स्पीड हमें मिली है 8.13 MBPS। ये कोई बहुत अच्छी स्पीड नहीं है, नॉर्मली हमें इससे ज़्यादा स्पीड जो है मिल जाती है। अब करते हैं एक और काम, अब सिम कार्ड इसमें से हम निकाल देंगे और वो सिम कार्ड डालेंगे हम इस फ़ोन में डायरेक्ट, और देखेंगे कि कितनी स्पीड हमें मिलती है। देखते हैं कि हमने सर्वर जो है सेम रखा है इस बार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला सर्वर हमने सेलेक्ट कर लिया है जो कि तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अब स्पीड टेस्ट आपको करके दिखाते हैं कि कितना आपको स्पीड मिलती है अपलोड और डाउनलोड में जियो सिम जब आप अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं, तो कितनी स्पीड आपको मिल सकती है। सिग्नल स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी है, यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है।
और जो डाउनलोड आ रहा है वो तकरीबन 7 Mbps के आसपास आने वाला है आई थिंक। अभी देखते हैं कि कितनी स्पीड हमें एग्जैक्ट देखने को मिलती है। तो जो डाउनलोड है वो है 7.62 Mbps और अपलोड जो है वो तकरीबन 9-10 Mbps के आसपास तक जा चुका है। और अपलोड जो मिलता है यहाँ पे वो मिला है 10.53 Mbps। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार जो वाईफाई हॉटस्पॉट है वो जियो फाई राउटर का जो पुराना वर्जन है उससे क्रिएट हुआ है। और अब मैं स्पीड टेस्ट यहाँ पे करने वाला हूँ और उसके लिए मैं एप्लीकेशन को दोबारा से खोल लेता हूँ। और सर्वर यहाँ पे जो है वो सेम है, यानी कि जो सर्वर हमने रखा था पहले वही सेम सर्वर यहाँ पे रखा गया है। अब मैं इसका स्पीड टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड आपको यहाँ पे मिलती है। और स्पीड टेस्ट शुरू हो चुका है, देखते हैं कि कितनी डाउनलोड और अपलोड स्पीड हमें मिलती है जियो फाई राउटर के पुराने वर्जन से सेम सर्वर के अंदर। तो पिंग थोड़ा ज़्यादा आया है यहाँ पे और जो डाउनलोड स्पीड है वो तकरीबन तकरीबन 0.5 Mbps की जा रही है, यानी कि बहुत ही कम स्पीड जो है डाउनलोड में यहाँ पे मिल रही है जियो फाई राउटर को यूज़ करके, जो कि पुराना वर्जन है। और अब मेरे ख्याल से अपलोड स्पीड का चेक हो रहा है और अपलोड स्पीड यहाँ पे अच्छी दिख रही है, जो कि तकरीबन 10.1 Mbps तक गई है। तो यहाँ पे डाउनलोड जो है वो काफ़ी कम आ रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन डाउनलोड यहाँ पे कम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अब एक काम करता हूँ, मैं सेटिंग्स में जाके ऑटो सिलेक्ट सर्वर पे कर देता हूँ और यहाँ पे अब दोबारा स्पीड टेस्ट करके देखते हैं कि कितनी स्पीड हमें मिलती है अगर हम ऑटोमेटिकली बेस्ट सर्वर को सिलेक्ट करने दें स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन को, तो कितनी स्पीड आपको यहाँ पे मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जो डाउनलोड स्पीड है वो बहुत ही बढ़िया आ रही है और वो तकरीबन जा रही है कितनी 40 Mbps तक की जो है डाउनलोड स्पीड चली गई है ऑटो सिलेक्ट में। और अब यहाँ पे अपलोड जो आ रही है वो तकरीबन आ रही है 6.96। तो देखा जाए तो राउटर की जहाँ तक बात है, पुराना राउटर या फिर नया राउटर, दोनों ही राउटर अच्छे हैं, लेकिन नए वाले राउटर के अंदर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके डिस्प्ले पे। साथ ही साथ बैटरी के अलावा ये भी पता चलता है कि कितने डिवाइसेस आपके जो राउटर के वाईफाई हॉटस्पॉट है उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नया वाला राउटर लें, जिससे आपको अच्छी स्पीड तो मिलेगी, आपकी स्मार्टफोन की बैटरी नहीं जाएगी और साथ ही साथ इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसकी बैटरी भी इस बार बढ़ा दी गई है। तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये एक वीडियो था कंपैरिजन करना, जिससे चाहते थे हम एक पुराने जियो फाई राउटर के साथ साथ ही साथ नए जियो फाई राउटर की अनबॉक्सिंग हमने की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन हैं जो कि इस जियो फाई राउटर के नए वर्जन के बारे में है या फिर पुराने वर्जन के बारे में है, तो वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, वो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।